पिज्जा इतना छोटा क्यों है और जॉन का साधारण है? हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। वाओ क्लोए, क्या इस आकार का पिज्जा भी मिलता है? अपना चश्मा पोछो नर्ड, मेरा पिज्जा देखा, यह मिलता है, लेकिन एमा सबसे पहले खाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास एक सुपर छोटा पिज्जा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। चलो मेरा हो गया, यह स्वादिष्ट था लेकिन पेट खाली है। हाँ हाँ, अब मेरी बारी है, मुझे अपना पिज्जा खाना शुरू करना होगा। वाओ, चीज इतना स्ट्रेची है, तो तुम मेरा पिज्जा चोरी करने की कोशिश भी मत करो। ओ, रुको, ये तुम्हारा नहीं है, मैंने सभी टुकड़ों को गिना था। चलो वापस खाने पर आते हैं, मेरे पास दो और हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ और अब खाऊंगा। वाओ, कितना चीजी है। चलो अब तुम्हारी बारी है क्लोई, मुझे बताने के लिए धन्यवाद नर्ड। चलो पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। वाओ, मेरे पास निश्चित रूप से एक साल के लिए काफी पिज्जा है। वाओ दोस्तों, मुझे माफ करो, लेकिन यह हिस्सा केवल मेरे लिए है, इसलिए मैं उसे शेयर नहीं कर सकती। सभी टुकड़ों के लिए पेट में काफी जगह है। मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें रुकना चाहिए, तुम इतना कहाँ फिट कर पा रही हो? ओ नहीं, मेरा पेट, वो इतना बड़ा हो गया है। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी मदद करो एमा प्लीज। यह काम बिल्कुल मेरे लिए है। चलो क्लोई, अपनी जगह से निकल जाओ। ठीक है क्लोई, यह ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल या क्लोई है, क्या तुम पहले मिले हो और अब हम दोस्त बनने वाले हैं। क्लोई आलसी मत बनो, एवरेज स्पीड और दौड़ो जल्दी क्लोई, पिज्जा के एक स्लाइस के लिए। चलो दौड़ो, चलो चलो और करो। ओह चलो और। ओह क्या तुम इसे मुझे तुरंत दे सकती हो? ये इतना स्वादिष्ट है। और हो गया। वाओ क्लोई, तुम पहले से भी बेहतर दिख रही हो, तो चलो एक फोटो लेते हैं। और यह क्या है? मेरे प्लेट में कोई टुकड़ा है, खाना कहाँ है? मेरे पास बड़ा मार्शमेलो है। और यह क्या है? ओह चलो इधर देखो भी मत, चलो अपना खाओ। ठीक है, वैसे मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मैं अपने छोटे मार्शमेलो को पकाऊंगी ताकि यह तुम सभी की तुलना से बेहतर स्वाद दे सके। एक फ्राइंग पैन में मार्शमेलो को भूनूंगी और इसे निकालती हूँ, बहुत बढ़िया, और अब इसे खाती हूँ। वाओ यह बहुत स्वादिष्ट था। चलो अब तुम कर सकती हो, बढ़िया। मैं भी अपने मार्शमेलो को भूनना चाहती हूँ। हम इसे एक स्टिक पर डालते हैं और बर्नर निकालते हैं। एक छोटे से आग से भूरे रंग का स्वादिष्ट ट्री। वाओ कितना सुंदर सुनहरा रंग है, चलो इसे खाती हूँ। वाओ यह स्वादिष्ट है, अद्भुत, मुंह में घुलता जा रहा है। जॉन तुम शुरू कर सकते हो। हाँ आखिरकार, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मैं इस मार्शमेलो को पूरी तरह से भूनने जा रहा हूँ, ज्यादा आग की जरूरत है। ओह बिल्कुल सही रंग। वाह और क्या महक है। तो ऐसा लगता है सब कुछ तैयार है, अब मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। ओह कितना क्रिस्पी हो गया मुझे लगता है। जॉन तुम एक जंगली जानवर की तरह कर रहे हो। हाँ मैं हूँ, क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात? क्या हुआ एमा? वाओ यह पॉपकॉर्न की मेरी बकेट है। अरे मेरा साइज देखो, यह बहुत सारे पॉपकॉर्न है। वाह और तुम्हारे बारे में क्या? ओ जॉन यह सच्ची में सबसे छोटा पॉपकॉर्न है जिसे मैंने कभी देखा है। तो क्या यह स्वादिष्ट है या पक्का है? लेकिन मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ओ हाँ मेरे पास एक विशेष बीम है, हमें इसे आजमाने की जरूरत है। इसी जगह पर रखते हैं, प्रोटेक्टिव चश्मा लगाते हैं और चालू करते हैं। ओ तैयार हो जाओ, वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अरे क्या यहाँ क्या हो रहा है? क्या क्या वो और भी छोटा हो गया है? हमें योजनाओं को फिर से देखने की जरूरत है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो इसे फेंक देता हूँ मशीन को और मैं इसे खा जाता हूँ। चलो अब तुम करो, बढ़िया। चलो अब यह खाते हैं। वाह यह बहुत स्वादिष्ट है, मैं सब कुछ जल्दी से खाने जा रही हूँ। एमा तुम सुपर फास्ट हो। आखिरी बचा है, सभी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है। मेरा हो गया, तुम्हारी बारी है। वाह आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट का मजा ले सकती हूँ, मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। चलो मैं पहले हूँ, चलो ओह मेरे साथ भी शेयर करो। ओह यह कितना स्वादिष्ट है और यहाँ बहुत सारे हैं। ओह चलो मैं और पकड़ता हूँ। क्या
मेरा खत्म हो गया। ओ, चलो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। ठीक है। क्या इतना छोटा सा प्रिंगल्स? अरे नहीं जॉन, तुम सिर्फ एक लूजर हो, मेरे पास बड़ा पैक है। हालांकि नहीं, यह चिप्स का मेरा विशाल पैक है। क्या जॉन? ठीक है, तुम पहले शुरू कर सकते हो। ओह अच्छा है, चश्मे के साथ भी इस पैकेज को देखना मुश्किल है। मेरा माइक्रोस्कोप निश्चित रूप से यहाँ काम आएगा। चलो खाते हैं। ओह मैंने सब गिरा दिया और तुम्हें बस मुझ पर हंसना है। ठीक है एम्मा, तुम्हारी बारी है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। अब मैं तुरंत सभी चिप्स बाहर निकालती हूँ। तैयार, देखो कितना अच्छा मैंने फिंगर स्केट खरीदा है। है ना अच्छा? ठीक है, अब मैं प्रोफेशनल की तरह स्केटिंग करूँगी, लेकिन उंगलियों पर, इस तरह। यह मेरे मुंह में कुछ चिप्स फेंकने का एक शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, मेरा हो गया। क्लोई तुम जारी रख सकती हो। ठीक है, तुम कितनी धीमी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब चलो पैकेट को खोलते हैं और खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। कितना बड़ा सा प्रिंगल्स चिप्स है। हाँ, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि मैं उन्हें अपने मुंह में डालूं। ओ नहीं, ये बहुत बड़ा है। आउच, कोई मेरी मदद करो। दोस्तों मेरा बैलेंस खराब हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। और क्लोई, वैसे कुछ चिप्स बाकी है। एम्मा चलो खाते हैं। तो हमें इस दुनिया का सबसे छोटा बर्गर खाना होगा। मेरे पास एक सामान्य बर्गर है। क्या इससे भी बड़ा होता है? निश्चित रूप से होता है, इस बड़े से बर्गर को देखो। वाह, चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यह मुझे दो और यह भी। मैं बढ़िया सा गुलेल बना सकता हूँ और यह तैयार हो गया। अब तुम सब देखोगे कि मैं अपने मुँह में बर्गर कैसे फेंकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? ये पकड़ लिया। क्या तुमने इसे देखा? यह बहुत अच्छा था। चलो क्लोई अब तुम जारी रखो। बढ़िया, मुझे बहुत ही भूख भी लग रही थी। यह कितना रसदार और स्वादिष्ट है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है। दोस्तों क्या मेरा चेहरा साफ है? सब कुछ ठीक है? क्लोई तुम फनी लग रही हो। बहुत अच्छा, तो एम्मा जारी रख सकती है। क्यों नहीं, लेकिन इसे बेहतर तरीके से कैसे खा सकती हूँ? ये बहुत बड़ा है। ओह हाँ, मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। अब मैं इसे चपटा करने जा रही हूँ। तैयार हो गया। यहाँ ऐसा साइज है जिसे मैं निश्चित रूप से खा सकती हूँ। चलो जल्दी खाती हूँ। वाव दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैंने बहुत खा लिया। क्या? मुझे इतना छोटा डोनट क्यों मिला है? और दूसरों के पास क्या है? खैर आखिरकार मैं लकी हूँ, एक बड़ा डोनट। हालांकि रुको, बड़ा नहीं। एम्मा क्या तुम्हारे पास फिर से विशाल डोनट है? मैं वास्तव में लकी हूँ, लेकिन क्लोई शुरू करेगी। मैं ठीक है, मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ, बस हो गया। जॉन तुम अपना डोनट खा सकते हो। हाँ सच में? वाव वाह कितना स्वादिष्ट है, मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। लेकिन एम्मा मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खाओगी। चलो खाओ। ठीक है, मैं बिना मतलब के जिम नहीं जाती हूँ। डोनट को खींचने से पहले अच्छी से तैयारी करनी होगी। अपने हाथों पर थोड़ा सा पाउडर सही तरीके से पकड़ना है और तब मैं इस बड़े से डोनट को उठा सकती हूँ। मुझे बहुत मजबूत होना है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे हटो, ओह मैं गिर रही हूँ। एम्मा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ या कहाँ। वाह उसे गुलाबी डोनट चाहिए, इसे पकाना काफी आसान है। ब्रायन तुम्हें न्यूटेला खाना नहीं बल्कि डोनट बनाना है, तो फिर जल्दी शुरू हो जाओ इससे पहले कि बेबी केट फिर से रोना शुरू कर दे। तो केट को एक डोनट चाहिए? यह तो बहुत आसान है, मैं अपना सिग्नेचर ओरियो डोनट्स बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस कुकीज का पाउडर बनाना है और एक जैक हैमर इसमें मेरी मदद करेगा। अब मैं सब कुछ टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ओह इस चीज को कंट्रोल करना मुश्किल है। ओह फ्यू, लगता है ये लगभग हो गया है। हाँ अरे वह कौन है? माफ करना अंकल बिल्डर, क्या यह आपका है? ओह हेलो ब्यूटीफुल, आप सब कुछ एक कटोरे में डालें और उसमें न्यूटेला मिलाएं। और अब मुझे एक और कूल गैजेट की जरूरत होगी, मेरी उंगली। सब कुछ मिलाएं। बढ़िया, यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी क्या आप इसे चखना चाहती हैं? ठीक है।
मैंने अभी तक इसे चाटा भी नहीं है। खैर, अब हमें डोनट मेकर में सब कुछ डालना होगा। मुझे लगता है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ओ, मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, चलो यह सब साफ करो और अब मैं अपना डोनट्स बनाती हूँ। मेरा स्टोव पहले से ही गर्म है, इसलिए मैं इसमें डो डालती हूँ। शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास भव्य स्वादिष्ट डोनट्स है, बस इसे देखो, वे कितने स्वादिष्ट और जूसी है। लेकिन अभी और काम बाकी है, मुझे इसके ऊपर सोने से ढके मार्शमेलो को सजाना है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकलेगा। इस तरह यह अभी से ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे अपने सैंडविच को चॉकलेट से ढके डोनट से ढकना है और फिर ऊपर से गोल्ड स्प्रिंकल्स। तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा है ना? आपका क्या चल रहा है? मेरे डोनट्स भी तैयार हैं। अब मैं अपने सुंदर डोनट्स को दिखाऊंगी। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, बस पाउडर चीनी और बस। ये कैसी महक है? ब्रायन, क्या हुआ, कुछ जल रहा है? हाँ, मेरे डोनट ज्यादा पक गए हैं। वे इतने काले हैं क्योंकि वे जल गए हैं या फिर वो ओरियो से बने हैं। चलो अब इस पर पिघले हुए मार्शमेलो लगाएं और अब मैं इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि वे जले हुए ना दिखे। दादी, बहन केटी से जरूर बहुत पसंद करेगी। और अब मेरे फेवरेट मॉल्टिसर्स, चलो इसे चक्कर बताओ। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे ये चाहिए, मैं इसे खाती हूँ। मेरे मुँह में क्या है? ये बहुत सोना है, मुझे वो पसंद नहीं है। और यह क्या है? वाह, कितना प्यारा डोनट्स, मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ क्या है? वाह, ये डोनट्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यहाँ मेरे फेवरेट कैंडीज भी है, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसका स्वाद कैसा है? अद्भुत, मेरा भाई विनर है। ये मैं जीत गया, मैंने सबसे स्वादिष्ट डोनट्स बनाए। और अब मुझे वफल चाहिए। मेरी पोती स्वादिष्ट वफल चाहती है, ये तो बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहले इसका डो बनाते हैं। मुझे थोड़ा आटा चाहिए और फिर इसमें अंडे मिलाने की जरूरत है। और अब बटर का एक टुकड़ा, अब इसे एक बाउल में डाले। ओह, बटर का टुकड़ा गलत जगह पर कहीं चला गया है। ओह धन्यवाद शेफ। और अब थोड़ी चीनी और दूध। वाह, कितना स्वादिष्ट ताजा दूध। और अब हम सब कुछ मिलाते हैं। दादी, आप सब तरफ बिखरा रही हो, इसे रोको। ठीक है, माफ करो। और मुझे स्कीटल्स चाहिए, मैं अद्भुत स्कीटल्स कैंडी वफल बनाने जा रही हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वफल बनाने नहीं आता। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मेरे बैग में कहीं नूडल्स थे। ओह, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ये एक हफ्ते पहले खो गया था। और यहाँ मेरे स्वादिष्ट नूडल्स है, अब मैं इसे एक वफल बनाने जा रहा हूँ। बस इसे वफल मेकर में डालना है और हमारा काम हो गया। थोड़ा केचप जोड़े, मुझे लगता है कि यह चेहरा केट को हंसाएगा। मेरा सब तैयार है और मेरा वफल भी तैयार है। उसे बाहर निकाल कर एक के ऊपर एक रख देती हूँ और ऊपर से मैपल सिरप, यह स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे स्ट्रॉबेरी सिरप चाहिए, दिल के आकार के ग्लास में इसे डालेंगे। और यहाँ स्किटल से बना मेरा वफल है, इसे यहाँ लगा देती हूँ और यह तैयार है। केट, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। वाओ, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं और यह बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप, कूल। और यहाँ क्या है? वाओ, ये वफल पक्का दादी ने बनाए होंगे, यह पहली बार नहीं है जब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ओह, मैंने बहुत सारे वफल खा लिए, लेकिन अभी भी भाई का वफल बचा है, मुझे ट्राई करना चाहिए। वाओ, यह मीठा नहीं है, यह नूडल्स है और केचप के साथ। यह स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन शेफ विनर है। वाओ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी, मेरे वफल सबसे स्वादिष्ट है। अब मुझे एक लिक्विड कोक कैंडी चाहिए। यह एकदम आसान है। अब चलो कुछ बढ़िया बनाते हैं। मुझे कोका कोला की खाली बोतल चाहिए। यह मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे किया। उप मुझे माफ करना। अब बोतल में कॉर्न सिरप डालना होगा, बस इस तरह से। हमें यह बहुत ज्यादा चाहिए। वाह, अब कुछ नट कैंडीज, आपने देखा दादी? वाह। और अब ओ, कुछ गलत हो गया है,
मेरा हाथ अटक गया है। अरे छोड़ो, आउच, अब मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा, लेकिन मैंने कैंडी को मिला लिया और अब इसे जमाना है। इसे जमा कर ठोस करना है ताकि कैंडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो। हाँ दादी, आपका क्या कहना है? है ना ये अच्छा? तुम्हारे कैंडी हेल्दी नहीं है, इसे कोला से नहीं बल्कि शहद से बनाना बेहतर है। शेफ, तुम क्या करोगी? मेरे पास एक शानदार आइडिया है, यह रेसिपी बेबी को जरूर पसंद आएगा। हमें बस एक फ्राइंग पैन में कोला डालना होगा, कोका कोला के साथ बहुत सारे गमीज डालने होंगे और इसे मिक्स करना है और मेरी कैंडी तैयार है। ओह यह कितना ठंडा है, ओह मेरे हाथ जम गए, बहुत ठंडा है। और मुझे बस एक कटोरी बर्फ चाहिए, यहाँ कुछ लिक्विड नाइट्रोजन डालना होगा, यह निश्चित रूप से बर्फ के प्रभाव को बढ़ाएगा और मैं अपनी कैंडी को बहुत तेजी से फ्रीज कर पाऊंगी। बढ़िया, अब पैन की सामग्री को एक बोतल में डालें और इसे बर्फ के साथ एक कटोरे में डाल सकते हैं। जरा देखिए कि केमिस्ट्री क्या कर रही है। वाह बढ़िया, बोतल तुरंत जम गई। दादी इसे मत छुओ, क्या आप अपना हाथ बर्फ में बदलना चाहती हैं? अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह यह सब तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं अभी स्टेट बियर की बोतल को ट्राई करने जा रही हूँ, ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह चलो इसे चक्कर देखती हूँ। वाह ये शहद है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह ये कितना ठंडा है, ये ठंडा है, ठंडा। ओह 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 तो हमें कुछ करना होगा। हाँ यह बेहतर है। तो मैं कैंडी को वहाँ से कैसे निकालूं? चलो बाहर निकल जाओ। ओह ओह यह काम किया। यह स्वादिष्ट है। और मेरे भाई ने क्या किया है? यह अच्छा लग रहा है। वाव कितना अच्छा, मुझे वास्तव में यह कैंडी पसंद है। वाव बहुत अच्छा, भाई जीत रहा है। हुरे, मुझे पता था कि मैं बेस्ट हूँ। वाव हाँ तो ठीक है, अब मुझे फ्राइड एग चाहिए, बस कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाओ। शेफ आपको ये बहुत अच्छा करना होगा, ये दादी के लिए बहुत ही आसान होगा लेकिन ब्रायन कुछ अलग करेगा। चलो शुरू हो जाओ। हाँ तो अब मुझे थोड़ा तेल डालना है। अरे निकलो, ओह माफ करना, ओह दादी दर्द होता है। तो अब हम कुछ अंडे तोड़ते हैं। ओह माफ करना दादी, मैं बस खाना पकाने में मग्न हो गया था। वाह ये बुरा नहीं है, मुझे तुरंत ही कुछ खाने लायक बनाना होगा, नहीं तो ब्रायन के फ्राइड एग खाने के बाद हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। यहाँ देखिए कि आपको कैसे चाहिए। ब्रायन तुम्हारा सब जल गया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मैं लिक्विड मार्शमेलो से फ्राइड एग बनाऊंगा और एक पिच, अब यह आपकी तरह दिख रहा है ना। और मैं क्या करूँ? ओह हाँ कुछ ताज़ा सब्जियाँ और हर्ब्स डालना जरूरी है। आपके फ्राइड एग बहुत पुराने स्टाइल के दिख रहे हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट में फ्राइड एग कैसे बनाते हैं। यह क्लासिक आकार नहीं होगा बल्कि उसका आकार, अरे मेरा सांचा कहाँ है? ब्रायन यह मेरा ड्रैगन है। काला डाई डालें और फ्राई करें। अब हम आंखें और आग बनाते हैं। बढ़िया यह ड्रैगन इतना प्यारा बना है कि केट को यह जरूर पसंद आएगा। मैं प्लेट पर कुछ हरियाली जोड़ूंगी जहाँ मेरा ड्रैगन चरेगा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से किया है। आइए देखिए कि केट का क्या कहना है। वाव यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं, मैं यहाँ इस ड्रैगन को खाना चाहती हूँ। वाव कितना अच्छा है, ये स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाव टमाटर, मुझे ये पसंद है, स्वादिष्ट। और अंडे के बारे में क्या? खैर यह साधारण है। ठीक है, और यहाँ क्या है? वाव ये पीच है, वो यहाँ क्या कर रहा है? योगर्ट। वाव मुझे ये मीठा फ्राइड एग बहुत पसंद आया और भाई जीत रहा है, ये सच में अच्छा है। मैं प्लेट चाट कर खाऊंगी, बधाई हो भाई। वाह मैं फिर से जीत गया, आज किस्मत मेरे साथ है। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे भूख लगी है, हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाए। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से, मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। जी ओह माफ करना, ये आटे की वजह से हुआ, सब ठीक है। और फिर से माफ करना, मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा, मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच रुको,
फिर से मुझे माफ कर दो, मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हम इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है, मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं, इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी, यह खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूँगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था, अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। ये बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है, मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। इनिट ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओ हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकेले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। इनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाओ, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाओ, यह सही नहीं है, मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो, एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या बनाएंगे? आसानी से, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूले। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंग, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है, दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंग केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है, और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया, अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो यह कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाओ लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी, और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी। और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है, भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं। दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है। आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है। और यहाँ ये बहुत सारे हैं। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का एक ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है। और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं? नहीं, यह अच्छा नहीं है। वेंसडे, सभी आशा तुम पर है। मैं इसे तुरंत पीऊंगी।
आखिरकार स्वादिष्ट। मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि ये वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ वाओ, यह तो बहुत ही अच्छा है, ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेंसडे, उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है। मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी ये बहुत आसान है, मेरे लिए सलाद बनाओ। मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है, इसे सलाद का आधार बनाती हूँ। फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है। हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए, इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को ना केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह फूल, यह बोरिंग है। सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेजिल लीव्स। मैं इस खोपरी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपरी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और दो आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है, अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। हुर्रे, स्वादिष्ट सलाद। वेंसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? ओ, कितना डरावना है। मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए। मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती, मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। यह सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनेट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां है, स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया, बधाई हो। दादी उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा, मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है, बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी, या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा। आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। वह क्या था? मेरे पास मत आओ, बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया, यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा, वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है, सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। थिंग, इसे ले लो। और मुझे न्यूटेला चाहिए, उसे लाओ। शाबाश, तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो यह कितना अच्छा है, मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प। मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती, उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे रंगीन डोनट्स भी तैयार है, वे बहुत सुंदर है। हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीप कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है, यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी।
अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूं। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया, साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिर ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसा मुझे पसंद है। वाओ, यह तो कमाल का है। इनिर, यह स्पष्ट है, तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे हैं।